मैंने अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक वाक्य बोल के भारत माता की जय बोल सकता है क्या? जब पुलिस की तरफ से मेरे इस सवाल इसका भी कोई आंसर नहीं आया तो मैं इसको लेकर अभी कोर्ट में गया। वो दर्शकों, यादव समाज के एक लड़के ने आरएसएस पर एफआईआर करा दिया है। आप चौंक गए ना, आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, उस पर एफआईआर हो गई है। और ये एफआईआर जो कराई है वो है नागपुर के ही एक लड़के ने, और वो यादव समाज का है। इसका कहना ये है कि जो आरएसएस की जो प्रेयर है, जो कि प्रार्थना जो है, वो जो गाते हैं शुरुआत में, वो राष्ट्र विरोधी प्रार्थना है। और ये राष्ट्र विरोधी इसमें क्या है, इसको जानते हैं इसी से। नमस्कार, मैं मोहनीश जबलपुरी, नागपुर से। मैंने हाल ही में अभी असंवैधानिक आरएसएस, मैं असंवैधानिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी सामाजिक संगठनाएं हैं हमारे देश में, वो सभी के सभी चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में रजिस्टर्ड, पर असंवैधानिक जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो उसने अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन लोगों को तो कानून से कोई लेना देना है नहीं, संविधान से कोई लेना देना है नहीं। खैर, मैं अभी उसके लिए भी मैंने चैरिटी ऑफिस में मेरी एक अर्जी लगा के रखी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुझे मेरे सभी धर्मों के समुदायों के भाइयों के साथ में रजिस्टर्ड करने के लिए। मैंने 2017 से अपनी वो अर्जी आज भी लगाई हुई है, जो अभी भी पेंडिंग है। मैंने अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसे लेकर मैंने कोतवाली पुलिस स्टेशन नागपुर में तकरार अर्ज दिया हुआ था। वो तकरार अर्ज देने का उसमें एक प्रमुख कारण ये था कि उसमें एक लाइन है, नमो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रंग भूता। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ये आरएसएस की प्रार्थना है, ये कोई भाषण नहीं है। प्रार्थना सभी को पता है कि प्रार्थना हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक लाइन है, नमो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रंग भूता, जिसका मैंने जब गूगल पर जिसका मैंने अर्थ जाना, कुछ किताबों से जाना, तो उसमें ये साफ जाहिर हुआ दिखा कि हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं। देख के बहुत आश्चर्य हुआ। एक, मैं धर्मनिरपेक्ष, यानी मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं भारत के संविधान को मानता हूँ, इसलिए मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। भारत के संविधान ने मुझे धर्मनिरपेक्ष बनाया हुआ है, और सभी को पता है कि हमारे देश की अगर हम आत्मा किसी को कहेंगे तो वो हमारा संविधान है। हमारे संविधान के अनुसार अब धर्मनिरपेक्ष हम लोग इसलिए भी है कि हमें भी, यानी जो जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन्हें भी एक समान अधिकार मिले, माइनॉरिटीज़ को भी एक समान अधिकार मिले मेजॉरिटी के साथ में देश में रहने का, जीने का। तो उसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन कोतवाली में तीन बार अप्लीकेशन लगाई, और तीनों बार मैंने वो प्रार्थना का और सारी चीज़ों का उल्लेख किया। एक बार मुझे कोतवाली पुलिस स्टेशन से सूचना पत्र भी दिया गया कि आप एविडेंस दीजिए, मैंने एविडेंस भी दिया। एविडेंस देने के बाद में जब कोतवाली पुलिस स्टेशन ने मेरी अर्जी ना जो डिस्पोज ऑफ किया, जो नकारा, वो आप सुनेंगे तो सभी को आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे ये सारी चीज़ें होती है। उसमें तीन उन्होंने मुद्दे दिए। पहला मुद्दा था कि आर्टिकल 25 के अनुसार सभी को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक है। दूसरा, वो लोग प्रार्थना की लाइन में आखिरी में भारत माता की जय कहते हैं। तीसरा, ये प्रार्थना जो है देश आज़ादी के पहले की है, ये उनका उत्तर है, ठीक है। इस पे मैंने अभी अपना एक काउंटर उत्तर दिया है जिसमें मैंने कहा है कि आर्टिकल 25 के अनुसार हमें, यानी सभी धर्म के लोगों को, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक है, परंतु किसी भी धर्म को अपना धर्म दूसरे के ऊपर लादने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा यह है कि इन्होंने उसमें आखिरी में कहा है कि एक लाइन में लोग भारत माता की जय कहते हैं। आप मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक वाक्य बोल के भारत माता की जय बोल सकता है क्या? यानी वो कोई गुनाह नहीं है? अगर मैं कोई भी असंवैधानिक वाक्य बोलूँ या असंवैधानिक कृत्य करूँ और उसके बाद में भारत माता की जय बोलूँ तो मुझे जाने दिया जाएगा? ये है। और तीसरा उसमें एक ये है कि यह भारत, ये देश के आज़ादी के पहले से प्रार्थना गाई जा रही है, गाई जा रही होगी,
परंतु मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जब देश का संविधान लागू हुआ, संविधान में हम लोग सेक्युलर हुए, धर्मनिरपेक्ष हुए, तब ये लाइन उसमें से क्यों नहीं निकाली गई? जब पुलिस की तरफ से मेरे इस सवाल, इस जवाब का भी कोई आंसर नहीं आया, तो मैं इसको लेकर अभी कोर्ट में गया हूं और कोर्ट में अभी इसका फैसला होना बाकी है। इसी प्रकार मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे पुरातन काल से भारत देश में हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की भूमिका निभाते हैं, हिंदू धर्म के लोग। तो नहीं लगता क्या वसुदेव कुटुंबकम की हमारी जो भूमिका है उसको हिंदू राष्ट्र ये शब्द आहत करता है, जो हमारी पुरातन काल से चलती आ रही है वसुदेव कुटुंबकम? तो खैर ये तो एक हमारा एक समझने का पार्ट है, पर कानूनी पार्ट में हिंदू राष्ट्र शब्द का कहीं पे भी कोई भी प्रकार का उल्लेख करना ठीक नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी ये लगता है कि इससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ की या दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत पहुंच सकता है। शायद यही उद्देश्य से हम लोग सेक्युलर है। इसके पहले भी, यानी ये हिंदू राष्ट्र वाले जो कोर्ट में प्रकरण के पहले भी, मैंने असंवैधानिक आरएसएस के ऊपर 4 केसेस डाल के रखी, जिसमें अवैध शस्त्र पूजन है, अवैध पथ संचलन है, जो लोग तिरंगे को नहीं मानते, जिसके कारण तिरंगा हमारा जमा हुआ था पुलिस स्टेशन में, जमा होके भी वो लगभग 14 साल रहा, 13-14 साल रहा, उसके ऊपर भी है। और ये लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर भी मेरी अर्जी अभी भी बकाया है।